सो हे गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह के यूट्यूबर्स हो और अगर आप लोगों ने गलती से भी आज की वीडियो पर क्लिक किया है तो यार आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है उन सभी यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूट्यूब पर नए नए हैं या फिर यूट्यूब के बहुत सारे रूल्स को नहीं जानते। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपकी यूट्यूब की लाइफ में आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और आपकी जो नॉलेज है उसे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाली है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि एक सिंपल सा छोटी सी गलती की वजह से आज के डेट में मेरे चैनल पर YouTube की तरफ से एक वार्निंग स्ट्राइक मिल चुका है। और आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि अगर आपके YouTube चैनल पर कभी भी एक वार्निंग स्ट्राइक आ जाता है तो आपकी YouTube पर लाइफ टाइम रहती है, मतलब आपकी YouTube से वो कभी भी रिमूव नहीं होती, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट आज की वीडियो में आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से आज के डेट में मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आ चुकी है। तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी गलती नहीं करना है जिसकी वजह से आपके चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक आ सकती है, और यही बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से मेरे चैनल पर मुझे वार्निंग स्ट्राइक मिली है। तो यार गाइस, आज की जो वीडियो है वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ ज़्यादा ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को सिंपल सा एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रूफ के बिना किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सिंपल सा क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउजर को। और यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर अपने चैनल को लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर सिंपल सा अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन, वहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आप लोगों को सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके अपने होम पेज में चले जाना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग स्ट्राइक, देख सकते हो यहाँ पर वार्निंग, इसे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो वार्निंग स्ट्राइक मुझे कब मिली है, कल मतलब 18th of August, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और कौन सी वीडियो पर मिला है उसे भी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने YouTube की तरफ से मुझे जो मेल आया था उसे मैं आप लोगों के सामने शो कर दूँगा। और ये जो मेल था वो मुझे रात के 2:45 मतलब 1:44 में देखने को मिले थे। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरे चैनल पर वार्निंग स्ट्राइक देखने को मिली है। तो ऐसे सिंपल एक ही रीजन था, मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का टाइटल था Top 3 विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर डाउनलोड, फिर विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर डाउनलोड कैसे करें। और गाइस, उस वीडियो पर मैंने आप लोगों को काइन मास्टर को डाउनलोड करने का तरीका नहीं बताया, बस मैंने ये बोला था कि इंस्टाग्राम पर आओ, मुझे DM करो, ये करो, वो करो, कुछ इस तरह से बोला था। मतलब वहां पर मैंने आप लोगों को काइन मास्टर को डाउनलोड करने का तरीका नहीं बताया था, बट उसके बावजूद भी मेरे चैनल पर आज के डेट में एक वार्निंग स्ट्राइक आ चुकी है। गाइस, यहां पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आज के डेट में मेरे चैनल पर एक वार्निंग स्ट्राइक आ चुकी है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और वहां पर अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करके उसे एक्सपोर्ट करते हो, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि प्ले स्टोर वाले काइन मास्टर पर आप लोगों को वाटरमार्क देखने को मिलता है। और अगर आप लोग उस वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ पैसे पैड करने पड़ते हैं काइन मास्टर, और जैसे आप लोग काइन मास्टर पर पैड वर्जन ले लेते हो तो जो वाटरमार्क रहता है वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। वहां पर उस वीडियो मैंने बोला क्या था कि विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर डाउनलोड कैसे करें। अब वहां पर आप लोग अगर विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर डाउनलोड कर लेते हो तो वहां पर आप लोगों को पैड करने का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब वहां पर मैं पैड वर्जन को आप लोगों को फ्री में यूज करने का तरीका बता रहा हूं। तो जो तरीका है वो YouTube के गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर प्ले स्टोर पर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जो पैड वर्जन है, मतलब उसे पैड किए बिना आप लोग अच्छे से यूज नहीं कर सकते, तो अगर आप लोग उसे फ्री में यूज करने का तरीका बताते हो या फिर उसका मोड भी के बताते हो तो भी आप लोगों को YouTube की तरफ से आपके चैनल पर एक वायरिंग स्ट्राइक आ सकती है। बट गाइस, यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि आपका जो भाई है वो खुद एक टेक यूट्यूबर है, तो आप लोग खुद सोचो कि मेरे चैनल पर मुझे स्ट्राइक कैसे मिल सकती है, क्योंकि मुझे तो सबके बारे में पता है, मतलब YouTube के जितने भी रूल्स एंड जितने भी कंडीशंस हैं उन सभी के बारे में मैंने पहले से रीड करके रखा हुआ है, और YouTube के जितने भी रूल्स हैं उनमें से एक एक रूल्स के बारे में आपके भाई को पता है, मतलब टेक यूट्यूबर मैं ऐसे ही नहीं बन गया। तो गाइस, यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जो मुझे स्ट्राइक आई है, ये जो वार्निंग स्ट्राइक आई है वो YouTube की मिस्टेक की वजह से आई है, क्योंकि टाइटल मैंने ये तो लिखा है कि विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर डाउनलोड कैसे करें, बट उस वीडियो में मैंने आप लोगों को विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर को डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बताया है, तो जो YouTube है वो मुझे स्ट्राइक दे ही नहीं सकता। गाइस, मैं करने के वाला हूँ, कल एक आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी और उस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ के साथ इस स्ट्राइक को या फिर ये जो वार्निंग स्ट्राइक है इसे मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ रिमूव करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग कल का वेट करो, कल के डेट में, कल या फिर परसों समझ जाओ, कल या फिर परसों के डेट में मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ और आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ कि कल या परसों के डेट में इस वार्निंग स्ट्राइक को मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ रिमूव करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को ये तो पता चल ही जाएगा
जाएगा कि जो वार्निंग स्ट्राइक है उसे किस तरह से रिमूव करते हैं। तो गाइस अगर आप लोग किसी भी तरह के यूट्यूबर्स हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि आपका जो भाई है वो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो अपलोड करते रहता है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। उसी बात के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, उस बगल वाले बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।